Hello students, in the last lecture we have learned all the theory about accounting of partnership firm. Now let's do some practical work. This is the first, here's the first illustration from your book. हर क्वेश्चन को अपन सबसे पहले उसके एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे एंड देन उसको सॉल्व करने के स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले अपन देख लेते हैं अपन को डेबिट बैलेंस में क्या क्या दिया है. ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेस दिया है, रिटर्न इनवर्स दिया है, सन्डी डेटर्स दिए हैं, कंप्यूटर दिया है, रेंट फॉर 11 मंथ्स दिया है, सैलरी टू स्टाफ दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग दिया है, वेजेस, जनरल चार्जेस, कैश एट बैंक, आरतीज ड्राइंग एंड भारतीज ड्राइंग, ये दोनों की ड्राइंग्स दी है. और क्रेडिट बैलेंस में क्या दिया है, सेल्स दिया है, रिटर्न आउटवर्ड्स दिया है, संडी क्रेडिटर्स दिया है, इंटरेस्ट दिया है, आरती का कैपिटल दिया है और भारती का भी कैपिटल दिया है. ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. दोनों अकाउंट बनाने, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन भी बनाना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 एंड अ बैलेंस शीट एज ऑन डेट, और बैलेंस शीट भी बनानी है. टेकिंग इन टू अकाउंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2016 वॉज वैल्यूड एट 60,000, ये अपन को क्लोजिंग स्टॉक दिया है 60,000. रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2016 हैज नॉट बीन पेड, यहाँ पे अपन को क्वेश्चन में रेंट 11 मंथ के लिए दिया था और यहाँ पे अपन को एडजस्टमेंट क्या दिया है, जो मार्च महीने की रेंट है वो अपन ने पे नहीं किया. कंप्यूटर को डेप्रिसिएशन लगाना है 20% और भारती इज अलाउड अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ एंड पार्टनर्स आर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%. ठीक है, अब अपन को क्या क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट. तो तीनों के पहले फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं. मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक में अकाउंट्स बनाते जाना और उसके अंदर जो जो एंट्री जिस हिसाब से मैं बोलूँगा उस हिसाब से रिकॉर्ड करते रहना ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो. अभी थोड़ी देर के लिए जो भी एंट्रीज है उन सबको इग्नोर करो. सबसे पहले अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट. थोड़ी बहुत लाइनें छोड़ के एक और अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016. इसमें भी चार कॉलम आएंगे, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट और क्रेडिट. और एक अपन को बैलेंस शीट बनानी है फर्म की, तो अपन बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2016 बना लेंगे, लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट. क्वेश्चन पे वापस आते हैं. सबसे पहले अपन को एडजस्टमेंट देखने हैं. फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2016 वाज वैल्यूड एट 60,000, ये अपन को क्लोजिंग स्टॉक दिया है. प्रॉफिट एंड लॉस बनाने से पहले सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है. ट्रेडिंग अकाउंट के लिए अपन को ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 36,000, तो अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक अपन ने रिकॉर्ड कर लिया डेबिट साइड में 36,000 का. उसके बाद अपन को परचेस दिया है 6,20,000 और उसी के साथ साथ रिटर्न आउटवर्ड्स दिया है, मतलब परचेस रिटर्न दिया है ₹4,000 का. तो अपन डेबिट साइड में नोट कर लेंगे टू परचेस 6,20,000, उसके अंदर से रिटर्न आउटवर्ड्स अपन ने माइनस कर लिया, परचेस रिटर्न माइनस कर लिया 4,000 का, तो अमाउंट हो गया 6,16,000. मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक में एंट्रियां नोट करते जाना. उसके बाद अपन सेल्स देखते हैं. सेल्स अपन को दिया है 9,40,000 और उसी के साथ साथ रिटर्न इनवर्स दिया, मतलब सेल रिटर्न दिया है. सेल्स रिटर्न कितना दिया है 12,000 का, तो अपन ये भी नोट कर लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में. बाय सेल्स 9,40,000 और लेस रिटर्न इनवर्स 12,000, तो बैलेंस हो गया 9,28,000. उसके अलावा और कौन सा पार्ट है जो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, इधर अपने पास वेजेस दिए हैं जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं. वेजेस कितने हैं ₹16,000, तो ये 16,000 अपन ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में लिख देंगे. टू वेजेस लिख दिया 16,000 और अपने पास एक क्लोजिंग स्टॉक था 60,000 का, तो उस क्लोजिंग स्टॉक को अपन ने लिख दिया ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक ₹60,000. क्रेडिट साइड का टोटल क्या 988 आया, उसमें से डेबिट के 36,000, 616 एंड 16,000 ये सब माइनस कर दिया, तो बैलेंसिंग फिगर आ गया 3,20,000, वो अपना ग्रॉस प्रॉफिट हो गया. अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन कर दिया 3,20,000. अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं. रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2016 हैज नॉट बीन पेड, बोला है कि जो मार्च की रेंट है वो अपन ने पे नहीं किया,
और अपन को इधर बैलेंस में भी दिया हुआ है कि जो रेंट है वो 11 मंथ्स के लिए ही पे की है। अगर 11 मंथ का अमाउंट 22,000 है तो 1 मंथ का अमाउंट कितना होगा? 22,000 बाय 11 मतलब 2,000, मतलब क्या हुआ कि अपन ने 11 मंथ की 22,000 तो पे कर दिया, लेकिन 2,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग है एक मंथ का। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी एंट्री कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में लिखेंगे टू रेंट 22,000 और उसके अंदर आउटस्टैंडिंग रेंट अपन ऐड कर देंगे 2,000 की, तो अमाउंट हो गया 24,000। बाकी और एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं। थर्ड एडजस्टमेंट क्या है? डेप्रिशिएट कंप्यूटर बाय 20%। जो कंप्यूटर के अमाउंट पे अपन को 20% डेप्रिशिएशन लगाना है। कंप्यूटर की वैल्यू क्या है? 50,000। इस 50,000 पे 20% डेप्रिशिएशन लगाना है। तो एंट्री कर लेते हैं टू डेप्रिशिएशन ऑन कंप्यूटर 10,000। मैं जिस सीक्वेंस में बोल रहा हूँ उसी सीक्वेंस में नोट करते जाना। सबसे पहले टू रेंट आया, अब टू डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर आ गया 10,000। अब क्वेश्चन में आगे देखते हैं। भारती इज अलाउड ए सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ एंड पार्टनर्स आर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। ये दोनों जो एडजस्टमेंट्स है वो दोनों पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के हैं। तो अपन पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नोट कर लेते हैं। भारती इज अलाउड ए सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ, एक महीने की 5,000, तो 12 महीने की कितनी, मतलब 5,000 इंटू 12 मतलब 60,000। तो पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाते हैं। पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट में आ जाएगा टू भारतीय सैलरी 60,000। और इसी के साथ एक और एडजस्टमेंट था, पार्टनर्स आर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% पर एनम से। आरती का कैपिटल क्या था? 3 लाख रुपीज। और भारती का कैपिटल क्या था? 1,50,000। इन दोनों को 6% इंटरेस्ट देना है, तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 लाख का 6% हो गया 18,000 और 1,50,000 का 6% हो गया 9,000। इसकी एंट्री कर लेते पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया, आरती का अमाउंट लिख दिया 18,000 और भारती का अमाउंट लिख दिया 9,000, टोटल हो गया 27,000। यहाँ पे अपने सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हुए। तो वापिस अपन टेबल में चलते हैं। इसमें क्या क्या बचा? ओपनिंग स्टॉक अपन ने यूज कर लिया, परचेस अपन ने यूज कर लिया, रिटर्न इन्वर्स अपन ने यूज कर लिया, सन्डे डेटर्स यूज नहीं किया। सन्डे डेटर्स कहाँ जाते हैं? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में अपन एसेट साइड में लिख देंगे सन्डे डेटर्स 1,25,000। बैलेंस शीट में अपन ने लिख दिया सन्डे डेटर्स 1,25,000। नेक्स्ट था कंप्यूटर। कंप्यूटर के अपन ने डेप्रिसिएशन वाली एंट्री तो कर दी, लेकिन ये कंप्यूटर और कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में एसेट साइड में, और उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। तो बैलेंस शीट में अपन ने एसेट साइड में लिख दिया कंप्यूटर्स 50,000 और उसमें से 20% उसका डेप्रिसिएशन था रुपीज 10,000 का, वो अपन ने माइनस कर दिया, तो अमाउंट हो गया 40,000। उसके बाद रेंट का एडजस्टमेंट अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। सैलरी टू स्टाफ, स्टाफ को सैलरी। एक पॉइंट यहाँ पे है, एक सैलरी दी अपन ने भर्ती को और एक सैलरी दे रहे अपन स्टाफ को। स्टाफ को जो सैलरी दे रहे हैं वो पी एन एल का पार्ट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनेगा। और पार्टनर को अगर सैलरी दे रहे हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट बनेगा, ये बात ध्यान रखना। तो सैलरी टू स्टाफ, इसकी एंट्री अपन ने की है, ये पी एन एल अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड में रुपीज 1,20,000। तो पी एन एल अकाउंट में अपन डेबिट साइड में लिख दिया तो सैलरी टू स्टाफ रुपीज 1,20,000। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग 3,52,000। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है तो वो बैलेंस शीट का पार्ट बनेगा। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में अपन लिख देंगे लैंड एंड बिल्डिंग 3,52,000। नेक्स्ट है वेजेस। वेजेस का एडजस्टमेंट अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट है जनरल चार्जेस। जनरल चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट बनते हैं और वो डेबिट साइड में आते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में लिख दिया ₹30,000 टू जनरल चार्जेस। नेक्स्ट है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक अपनी एसेट है तो वो बैलेंस शीट का पार्ट बनती है। बैलेंस शीट में लिख दिया कैश एट बैंक ₹25,000। नेक्स्ट है आरती इज ड्रॉइंग और भारती इज ड्रॉइंग, ये दोनों बैलेंस शीट का पार्ट बनेंगे। बैलेंस शीट में कैसे शो होते हैं ड्रॉइंग्स? कैपिटल में से माइनस हो के। अगर इन पे इंटरेस्ट होता तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट होता, लेकिन अपने पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए कुछ पार्ट नहीं दिया है, इसलिए अपन उसको इग्नोर कर रहे हैं। अब क्रेडिट बैलेंसेस में देख लेते हैं। सेल्स अपन ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, रिटर्न आउटवर्ड यूज कर चुके हैं,
सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज होती है, इसलिए वो बैलेंस शीट में जाएगी। तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में देख लिया, सन्ड्री क्रेडिटर्स ₹43,000। नेक्स्ट है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का क्रेडिट बैलेंस है। इंटरेस्ट का क्रेडिट बैलेंस है मतलब इंटरेस्ट मिला होगा, इंटरेस्ट रिसीव हुआ होगा, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय इंटरेस्ट ₹1,000। नेक्स्ट है आरती की कैपिटल और भारती की कैपिटल, तो ये दोनों भी बैलेंस शीट का पार्ट बनेगी। अब सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल किया 3,21,000 आया, उसमें से ये जितना भी डेबिट किया था वह सब माइनस कर दिया, तो बैलेंसिंग फिगर आ गया 1,37,000। और ये 1,37,000 जो है वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट आया था 1,37,000, उसको अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अब भारती की सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये दोनों अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसके अलावा कोई एंट्री आएगी नहीं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो इसको भी क्लोज कर देते हैं। तो क्रेडिट बैलेंस हो गया 137, उसके अंदर से ये 60,000 भारती की सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 27,000 अपन ने सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो बैलेंसिंग फिगर बच गया 50,000। इसका जो बैलेंसिंग फिगर था 50,000, उसको अपन ने आरती और भारती में बांट दिया। अब ये अकाउंट भी क्लोज हो गया, अब बैलेंस शीट कंप्लीट कर देते हैं। एसेट साइड में एक और क्लोजिंग स्टॉक लिखना मत भूलना 60,000, ये एडजस्टमेंट में से आता है। अब एसेट साइड तो कंप्लीट हो गई, लाइबिलिटी साइड में देखते हैं। अब अपन को बैलेंसेस में आरती का कैपिटल दिया 3,00,000 और आरती की ड्रॉइंग दी है 20,000, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आरती को इंटरेस्ट मिला 18,000 का और आरती को प्रॉफिट मिला है 30,000 का। तो बैलेंस शीट में देख लेते हैं, आरती कैपिटल हो गया 3,00,000 का, उसमें से ड्रॉइंग्स माइनस कर दी 20,000 का, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000 का प्लस कर दिया और नेट प्रॉफिट भी 30,000 का प्लस कर दिया, तो आरती का कैपिटल हो गया 3,28,000। वैसे ही भारती का भी देख लेते हैं, भारती का कैपिटल था 1,50,000, भारती की ड्रॉइंग है 10,000 की। उसी के साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी देख लेते हैं, भारती को सैलरी मिली है ₹60,000 की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है 9,000 का और उसको प्रॉफिट मिला है 20,000 का। तो ये सब बैलेंस शीट में नोट कर लेते हैं। भारती का कैपिटल हो गया 1,50,000, उसमें से ड्रॉइंग्स अपन ने माइनस कर दी 10,000, भारती को सैलरी मिली थी 60,000 वो ऐड कर दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर दिया 9,000 का और उसका नेट प्रॉफिट 20,000 का ऐड कर दिया, तो उसका बैलेंस आ गया 2,29,000। अब एसेट्स और लाइबिलिटीज की टोटल कर दी और उनका टोटल मैच हो गया 6,02,000 का। हर एंट्री समझ में आई अच्छे से। एक छोटा सा पार्ट अपन इसी के साथ देख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। छोटा सा क्वेश्चन है, अरुण एंड वरुण आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 1:1। देयर कैपिटल ऑन 1st April 2015 वर 4,80,000 एंड 5,40,000। ऑन 1st October 2015 दे डिसाइडेड दैट द टोटल कैपिटल ऑफ अ फर्म शुड बी 10,00,000 टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली बाय बोथ ऑफ देम। 1 अक्टूबर 2015 को उनको लगा कि उनकी कैपिटल 10,00,000 होनी चाहिए जो कि दोनों में इक्वली बटी हुई होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 6% पर एनम। तो अपन को सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, ठीक है। चालू कब से हुआ था, 1 अप्रैल 2015 से, और चेंज कब हुआ, 1 अक्टूबर 2015 को। 1 अप्रैल 2015 से 1 अक्टूबर 2015 में अरुण की कैपिटल थी 4,80,000 और 1 अक्टूबर के बाद उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, 5,00,000, ठीक है। तो फ्रॉम 1st April to 30th September 6 months होते हैं, तो 4,80,000 का 6% 6 months के लिए 14,400 हो गया। अब फ्रॉम 1st October to 31st March 2016 उनकी कैपिटल क्या होगी, 5,00,000। अक्टूबर से मार्च भी 6 months होते हैं, तो 5,00,000 का 6% 6 months के लिए 15,000 हो गया। तो अरुण का टोटल इंटरेस्ट क्या हो गया, 14,400 प्लस 15,000 इक्वल टू 29,400, क्लियर है। सेम टू सेम वरुण का भी फाइन कर लेते हैं। वरुण की भी 1 अप्रैल से 30 मार्च का तक की कैपिटल थी 5,40,000, तो 5,40,000 का 6% 6 मंथ के लिए 16,200 हो गया।
और 1 अक्टूबर से 31 मार्च उसकी कैपिटल थी 5 लाख। तो 5 लाख का 6% 6 मंथ के लिए 15,000 हो गया। दोनों को प्लस कर लिया तो बर उनका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, 31,200। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना आ गया, इजी था। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी मेथड्स टू क्रिएट कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स एंड ऑल्सो क्वेश्चन रिलेटेड टू इट। थैंक यू।